जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना दी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी को जल क्रिया एकादशी, भद्रकाली एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको इस एकादशी के अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन एकादशी की जो व्रत कथा है और पूजा विधि वो सेम रहेगी, चाहे आप इसे अचला एकादशी कह दो चाहे अपरा एकादशी। और दोस्तों, इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ उनके पांचवें अवतार वामन ऋषि की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो पूजन का समय, एकादशी कब शुरू हो रही, कब खत्म हो रही, पारण का समय आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही व्रत में कौन कौन सी ऐसी बातें जिनका ख्याल रखा है, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको जरूर से बरतनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की पूजन विधि, सावधानियों के बारे में, पूजन मुहूर्त के बारे में, साथ ही सुनेंगे अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी के व्रत की कथा। तो सबसे पहले हम अपरा एकादशी के पूजन विधि को जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो दशमी तिथि की शाम से यानी कि रात से शुरू हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को शाम से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और पूरे मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए और शाम में सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज और चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और रात को सोते समय भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर मन से सभी विकारों को निकालते हुए आपने स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की आपने पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो पूजा की कुछ बेसिक चीज़ें यानी कि जैसे तुलसी दल आपने जरूर से रखना चाहिए, श्री चंदन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, गंगा जल, मौसमी फल इत्यादि प्रसाद के रूप में आपने रखने चाहिए। और दोस्तों, व्रत करने वाले व्यक्ति को दूसरों की निंदा, झूठ, छल, कपट से दूर रहना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी एकादशी के दिन आपने चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और अगर व्रत करें तो अपने दाएं हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए, साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी मुश्किलों को आप समाप्त कीजिए और पूरे मन से अच्छी तरीके से मैं ये व्रत पूर्ण कर सकूं, ऐसी कृपा करें। और अपरा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा जो है हमें प्राप्त हो सके। पूरा दिन आपने निराहार रहना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो व्यक्ति फलाहार ले सकते हैं, दूध चाय इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में क्या क्या चीजें खानी चाहिए इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कर सकते हैं। और साथ ही शाम के समय एकादशी व्रत की कथा जो है आपने जरूर से सुननी चाहिए, उसके बाद आपने फलाहार करना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आपने घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की जो पूजन अर्चना है वो जरूर से करना चाहिए। जितना समय दे सके उतना समय देकर रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, कुछ सावधानियां जो जरूर से रखनी चाहिए, जैसे अपरा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को देर तक सोना नहीं चाहिए, घर में लहसुन प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं खा रहे लेकिन दूसरे लोगों के लिए बना रहे, वैसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में भोजन हुआ है तो आपने उस दिन तामसिक भोजन, लहसुन प्याज, नॉनवेज को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आपने पूजा करनी चाहिए और व्रत विधान करते समय परिवार में शांति का माहौल रहे इस बात का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, घर के सभी लोगों को मिलजुल कर पूजन अर्चन करना चाहिए, किसी भी तरह के विवाद बहस को अवॉइड करना चाहिए। तो जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अपरा एकादशी जो है 17 मई को दोपहर में 12:44 से शुरू हो गई और एकादशी तिथि जो है 18 मई को दोपहर में 3:08 तक रहेगी। और दोस्तों, व्रत का जो पारण है वो 19 मई की सुबह में 5:27 से शुरू होकर 8:11 के बीच में ही आपने कर लेना है। और दोस्तों, व्रत खोलने के पहले आपने अपने यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। अगर दान नहीं दे सकते हैं बाहर तो आप उन चीज़ों को निकाल कर दक्षिण दिशा में अपने घर के साउथ डायरेक्शन में आप कहीं रख दीजिए। साथ ही कुछ कैश पैसे जरूर से आपने अलग से निकालने चाहिए। तो इस तरह से आपने पूजा थी वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं, सुन लेते हैं इस व्रत की कथा को। तो चलिए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और
से क्या फल मिलता है कृपा करके कहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, यह एकादशी अचला और अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। और इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी ज्ञान झाड़ना, झूठा वैद्य बना दी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरक कामी होते हैं, परंतु एकादशी इस एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में, प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही कर लेना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा था, राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे काट दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल में रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नाम के ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसकी गति से छुटकारा पाने के लिए, उसको पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने व्रत का पुण्य उसके निमित्त अर्पित कर दिया। और उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, ये थी अचला एकादशी या अपरा एकादशी के व्रत की कथा और पूजन विधि। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की असमय मृत्यु हुई है और आपको ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो उनके निमित्त भी आप ये व्रत करके उसका पुण्य उनके निमित्त दे सकते हैं, ताकि उनकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल सके और साथ ही आपके जो भी पितर है उनका आशीर्वाद जो है वो आपको मिल सके। इसलिए दोस्तों, अगर आप और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपने जो जीवन में कोई गलती की हो, अचानक जाने अनजाने कोई पाप किए हो, तो उनसे मुक्ति चाहते, तो आपने अपरा एकादशी का व्रत है वो जरूर से करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस एकादशी से जहाँ हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं पर सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को देने वाला है व्रत। दोस्तों, ये अपरा एकादशी यानी कि अपार धन देने वाला व्रत है। अगर आप भी
धन की प्रॉब्लम से, आर्थिक परेशानी से घिरे हुए, तो आपने भी ये व्रत जरूर से करना चाहिए। व्रत करने के बाद दान इत्यादि करके ही आपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना देश चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और फिर जो बेल आइकन आता है उसको आपने क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।